हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना से इतना टेस्टी स्नैक जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी लगेगा। चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें एक कटोरी मैंने सूजी को लिया है और साबूदाने को मैंने 2 से 3 घंटे पहले इसको करने के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरह से सोख हो चुका है। इस तरह से हम देख लेंगे कि हमारा दाना इस तरह से देखिए बिल्कुल पिस रहा है, तो इसका मतलब साबुदाना हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है। चलिए अब हम एक मिक्सी का जार ले लेते हैं। मिक्सी के जार में हम ये साबुदाने को डाल के इनका हम पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हम पानी के सहित ही डाल देंगे, पानी हम इसका नहीं निकालेंगे। हमें पानी की ज़रूरत है तो हम पानी के साथ ही साबुदाने को ले लेते हैं। चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए साबुदाने का पेस्ट बन गया है। इसे हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, बर्तन खुला लें ताकि हमारा ये जो है स्नैक अच्छी तरह से बन पाए। देखिए इस तरह सूजी डालेंगे, एक कटोरी सूजी ली है इसको डाल देंगे। अगर हमें इसमें पानी डालने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, जिस तरह से भी आपको नमक पसंद है उस तरह से डालें। थोड़ा से जाएंगे इसमें चिली फ्लेक्स। चलिए इन्हें मिक्स करके अब हम रेस्ट के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे इसकी सूजी जो है हमने सूजी डाली है अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। कवर करके रख देंगे। जब तक हमारी सूजी सेट हो रही है एक कढ़ाई में हम पानी को रख देंगे। पानी से हम पानी को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। इसमें ढक देंगे, एक छन्नी रखेंगे इस तरह से। कोई भी जाली हो आपके पास या कोई भी चीज हो आप उस तरह से रख सकते हैं। मेरी कढ़ाई में ये सेट आती है तो मैं इसी को रखती हूँ। दूध में ढकने वाली जाली है, इसको सेट करके रख देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे। देखिए जब तक कढ़ाई में पानी गर्म हो रहा है और हमारी सूजी भी सेट हो रही है, जब तक एक कटोरियों को हम तैयार कर लेंगे। कटोरियों में थोड़ा सा हम चिकना लगा लेंगे, जिससे हमारे इससे जो भी स्नैक बनेगा इससे हमें निकालने में आसानी रहेगी। इस तरह से हम सारी कटोरियों को कटोरियां सेट हो चुकी हैं। अब हम अपनी सूजी को देख लेते हैं। सूजी की सूजी हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे इसका कलर जो है थोड़ा सा अच्छा आएगा। बहुत थोड़ी सी लेंगे, इसमें डाल देंगे। चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे इनो और एक चम्मच हम डालेंगे तेल इसमें। जो देखिए थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैंने इनो लिया है, इसको डाल देते हैं। आप इनो कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसका कलर भी अच्छा सा आ गया है। चलिए अब हम इन्हें कटोरियों में इस तरह से डाल लेना है। इस तरह से हम सारी कटोरियों को पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा हम खाली छोड़ेंगे कटोरियों को। इस तरह से डालेंगे सारी कटोरियां, इसी तरह से हम फिल कर लेते हैं। इस तरह से इतनी कटोरियां हमने भरनी है। चलिए इस तरह से सारी कटोरियां भर लेते हैं। देखिए सारी कटोरियां हमने भर ली है। अब इसे हम थोड़ी सारी कटोरियों को इसके अंदर रख देते हैं। इस तरह से हम रखेंगे। देखिए चारों कटोरियां हमारी इसमें सेट हो चुकी हैं। अब इसे कवर कर देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए 15 मिनट हो गए, खोल के चेक कर लेते हैं इन्हें। इस तरह से एक नाइफ ले लेंगे या आपके पास टूथपिक वगैरह हो, जो भी हो आप उससे ये चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम डाल के देखेंगे। देखिए इस तरह से अगर हमारी क्लीन निकल रही है तो हमारा ये अच्छी तरह से पक चुका है। अगर ये थोड़ा सा लगा आ रहा है तो इसका मतलब अभी कच्चा है। एक मिनट के लिए और कवर कर देते हैं। एक मिनट हो गया है, इसे खोल के दोबारा से चेक कर लेते हैं। इस तरह से देखिए अब बिल्कुल क्लीन आ रही है, तो इसका मतलब अब गैस को हम कर देंगे बंद और ठंडा होने के बाद एक एक करके कटोरियों को निकाल लेंगे। देखिए सारी कटोरियां हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें इस तरह से चाकू की हेल्प से इन सब कटोरियों को इस तरह से इनका निकाल लेंगे। इस तरह से करेंगे क्योंकि हमने इसमें साबुदाना डाला है तो ये थोड़े से चिपक गई हैं, इसलिए इनको हमें इस तरह से करना होगा। बहुत आसानी से नहीं निकलती हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से चाकू को लेंगे और घुमाते हुए इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे।
इस तरह से बड़े आराम से निकल जाती हैं। हर एक देखिए इस तरह से सारी स्नैक को हम इस तरह से निकाल लेते हैं। देखिए अब सारे स्नैक को हम छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। आप जिस तरह से भी रखना चाहें आप उस तरह से स्नैक को रख सकते हैं। मैं छोटे छोटे पीसों में इन्हें काटूंगी इस तरह से। देखिए इस तरह से हम सारे पीसों को काट लेंगे। देखिए गैस को ऑन करके कढ़ाई को रख दिया। कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी हम डालेंगे काली सरसों यानी राई। राई को चटकने देंगे। देखिए राई चटक चुकी है। इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च मैंने काटी है, इनको डाल देते हैं। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मिक्सी भी कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को मैंने लंबे लंबे लच्छों में काटा है, इसको डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे प्याज को। देखिए प्याज अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम बीच में थोड़ी सी जगह बना के इसमें हम डालेंगे वाइट वाले तिल, क्योंकि पहले से हम डालते तो तिल हमारे तो सारे जल जाते, इसलिए हमने बाद में तिल को डालना है। इस तरह से थोड़ा सा हम तिल को भून लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे स्नैक अपने जो हमने बना के रखे थे वो डाल देंगे। चलिए अब हमारे तिल अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब सारे स्नैक हम इसमें पलट देंगे। इससे भी छोटे छोटे टुकड़े करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे। कि आप चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, जिस चीज के साथ भी मन करे आप उससे खा सकते हैं। इसे हरी चटनी के साथ खाएं, लाल चटनी के साथ खाएं, सबके साथ ही अच्छी लगेगी इसमें स्नैक। चलिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऊपर से थोड़े हरी मिर्च डाली, इसलिए थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। बहुत थोड़ी सी डालनी है। थोड़ी डालेंगे ऑरिगेनो। बहुत थोड़े से लिए हैं, इनको डाल देते, इससे इनका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। नमक हम पहले से ही डाल चुके हैं, नमक हमें और नहीं डालना है। आप अगर धनिया पत्ती डालना चाहते हो ऊपर से तो आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी प्याज डाली है, इसलिए मैं इसमें धनिया पत्ती नहीं डाल रही हूँ। चलिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैजिक मसाला, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी अच्छा लगता है। ऊपर से डालेंगे और ऊपर से डाल के खा लेंगे। जब भी आप किसी को सर्व करें तब आप ऊपर से ये मसाला डाल देंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा, और बाकी जिसे देंगे हम जिसमें उसको ऊपर से डाल के ये मसाला देंगे। कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये रेसिपी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर ज़रूर बताया कीजिए कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।